वीडियो आ रही है आप सभी के लिए। तो अगली बार से ये जो वीडियो सीरीज है वो फिर से कंटिन्यू होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्या टॉपिक रहने वाला है, ये पहले मैं आपको बता दूँ, फिर उसके बाद आगे आगे हम हर चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो मैंने बनाया है किसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम्स में, चाहे वो आपके लिए रेलवे हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट पे लेवल पे कोई एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, ये जो टॉपिक है, ऐसे पॉलिटी के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब चलिए बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूं कि हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो ईसी लिखा है ये है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन पे जो मैंने अपना तरीका बनाया है वो मैं तीन तरीके से आप इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। पूरा टॉपिक तीन तरीके से आपको तीन हेडिंग्स के अंदर कवर होगा। पहला होगा हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन बॉडी किस तरीके की है, इसके क्या क्या जो है फीचर्स है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आएगा, जिसको हम इसमें वर्क को पढ़ेंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन के क्या काम होते हैं उसको हम दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक होगा एडिशनल नॉलेज, मतलब इन दोनों से हटकर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है जो कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। आप उसको कई बार क्या हो सकता है कि आपके अगल बगल के लोगों से आप उसको क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हो, बिना कुछ ऐड किए कोई भी टॉपिक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड टॉपिक, यहाँ पे थर्ड हेडिंग आप इसको कह सकते हो, लिख दिया है एडिशनल नॉलेज, जिसमें हम कुछ अलग सी बातें इसमें पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला, तो बॉडी में हम इसमें क्या देखने वाले हैं। बस ध्यान से आप वीडियो को देखती जाइएगा, ठीक है। जो जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इसको आप नोट डाउन करते हुए चलेगा, लेकिन नोट डाउन तब करना है जब आप पहले वीडियो देखिए। सबसे पहला अब बॉडी में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन। पहले तो हमें संविधान में देखना है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है। तो इलेक्शन कमीशन कौन से भाग में आता है, तो भाग 7 पे इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है। बात करें अगर हम इसके लिए अनुच्छेद या फिर आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल कौन सा है इलेक्शन कमीशन के लिए, 324। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगी ना, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान से उसको पढ़ते चलना है। दोनों पार्ट्स हो गए, ने पार्ट पढ़ लिया, पार्ट 7 में आता है, आर्टिकल 324 में आता है। कितने मेंबर्स की बॉडी है प्रेजेंट में अगर हम देखें तो इसमें कितने मेंबर्स की बॉडी है, 3 मेंबर्स की बॉडी है। जब इलेक्शन कमीशन बना था तब से लेकर 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक ये क्या था, एक सिंगल मेंबर की बॉडी थी, मतलब इसमें केवल क्या थे, एक सदस्य की बॉडी थी ये, ठीक है। प्रेजेंट में कितने मेंबर्स की बॉडी है, 3 सदस्यों की ये बॉडी है। चलिए अब यहाँ पे जो एक, तो इसमें जो 3 मेंबर्स की बॉडी होती है, इसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 अदर मेंबर्स होते हैं, ओके। अब इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर क्या होता है, 52। ये तो एक अलग सी बात होगी जो आपको याद होना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट हमने पढ़ लिया, अब आते हैं बात करते हैं टेन्योर की, मतलब इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है। तो देखो कार्यकाल तो हम सभी का पढ़ते हैं 5 साल, इनका का जो कार्यकाल होता है अगर हम देखें पढ़ें तो कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन संविधान में लिखा गया है कि इनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, टेन्योर फिक्स नहीं है, ये क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस पर काम करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट चाहे तो इनका टेन्योर बढ़ा सकते हैं। 5वां पॉइंट यहाँ पे फिर से इधर से आ जाओ, प्रेजेंट में भी हेड हैं इसके कौन, अब ये तो हमने संविधान से जितने भी जुड़े बातें थी वो पढ़ लिया। अब प्रेजेंट में हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जो कि 25वें नंबर के हैं, उनका नाम क्या है, राजीव कुमार जी। कौन है, राजीव कुमार, ओके। यहाँ पर एक बात और आती है कि जब ये जो पहले तो क्या था, हमने पढ़ा कि जब 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था, सिंगल मेंबर की बॉडी थी, मतलब इसमें एक सदस्य थे, लेकिन उसके बाद बढ़ गई है संख्या। बढ़ी कब, देखो अब उसके पीछे एक हमें स्टडी पढ़ने को मिलती है, जब हमारे यहाँ पर वोटिंग एज को 21 साल से घटा करके कितना किया गया था, 18। कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत क्या किया गया कि हमारा जो वोटिंग एज है उसको 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कार्यभार बढ़ गया है ना, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तब उसके बाद क्या हुआ कि 15 अक्टूबर तक देखो मैंने बताया कि एक मेंबर की बॉडी थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को ये बढ़ा करके संख्या कर दी गई 3। लेकिन अभी यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, 1990 में क्या कर दिया गया, जो सिस्टम 3 मेंबर की बॉडी वाला था इसको खत्म कर दिया गया। फिर से 1993 में
फिर से 3 मेंबर की बॉडी बना दी गई। अब 93 से लेकर अभी तक प्रेजेंट में 3 मेंबर्स की बॉडी ये अभी भी है। ठीक, ये हो गए बॉडीज के बारे में जो कि हमने पढ़ लिया। अब दूसरी हेडिंग में हम पढ़ेंगे इनके कार्य के बारे में, है वर्क, मतलब इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले देखिए, किसी भी जो पार्टीज होती हैं, कोई भी पार्टी जो होती है, उनका जो आइकन होता है, मतलब उनका जो लोगो होता है उनकी पार्टी का, जैसे कमल हो गया भाजपा का, कांग्रेस का पंजा हो गया, हाथ का पंजा, उसके बाद अगर हम बात करें आप पार्टी तो झाड़ू हो गया। तो ये जो आइकन्स होते हैं इनको वेरीफाई कौन करता है, तो ये आइकन्स को वेरीफाई किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, अब देखो जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी कई बार आपने सुना होगा होता है, डिस्क्वालिफिकेशन, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है इसके लिए एडवाइस देते हैं कौन, इलेक्शन कमिश्नर। किसको एडवाइस दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और ये प्रेसिडेंट को कब दिया जाता है, जब बात किसकी हो, सेंट्रल लेवल की हो। ठीक, लेकिन अगर हम इस यही बात करें कि स्टेट लेवल में जब आता है तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो गवर्नर को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स का, उस किसके रूप में, जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है उसमें। ठीक है, किसको देंगे, स्टेट में गवर्नर को और सेंट्रल पर प्रेसिडेंट को। क्या आपको डाउट आया है कि अगर मान लो कहीं वोटिंग चल रही है या फिर वोटिंग हो रही है और अचानक से वो पोल जो है वो कैंसिल कर दिया जाए, क्या कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, मुझे लगता है कि बड़े लेवल पर तो ऐसा हो सकता है। और कैंसिल कौन कर सकता है पोल्स को, इलेक्शन कमीशन के पास ही ये राइट होता है कि वो कैंसिल कर सकते हैं। कैसी दशा में, जब कोई वॉयलेंस हो जाए या फिर कोई दंगा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पोल को कैंसिल किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डिटेल से पढ़ना है। चलो, दूसरा हमने हेडिंग कंप्लीट कर लिया, वर्क हो गया। पहला हेडिंग कौन सा था, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरा, चलिए बात करते हैं इंटरेस्टिंग जो है उसका नाम क्या है, तीसरा हेडिंग एडिशनल नॉलेज। तो चलिए एडिशनल नॉलेज के बारे में पहला क्या है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, उनका नाम है सुकुमार सेन। कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा, सुकुमार सेन क्या थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के। इनका टेन्योर अगर मान लो आपसे पूछा जाए तो 1950 से लेकर 1958। अब देखिए यहाँ पर टेन्योर 5 साल नहीं है, ज़्यादा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टेन्योर फिक्स नहीं होता है, उसको प्रेसिडेंट घटा बढ़ा सकते। ठीक, सेकेंड नंबर पर पहली फीमेल चीफ इलेक्शन कमीशनर भारत की कौन थी, रामा देवी। कार्यकाल का कब था, 1990। ठीक, सबसे बेस्ट अगर हम कहें अपने कार्य को लेकर, अपने काम को लेकर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस पूरे अभी तक देखा जाए तो कितने, अभी तक सभी में अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब अपने ओहदे को लेकर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसके द्वारा किया गया था, तो टी एन शेषान जी के द्वारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर कम्प्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।